देख रहे हैं कि चुनावी समर में लगातार नेताओं के रैली और नामांकन का दौर जारी है। आज इसी क्रम में लोजपा के प्रत्याशी जो देवघर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे साथ बजरंगी माता है, जिन्हें आज देवघर की जनता रथ पे सवार कर नॉमिनेशन के लिए इन्हें अनुमंडल कार्यालय ले जाएगी। हम जानेंगे आज बजरंगी माता से कि क्या मन में उनकी भावना है, क्या आज वो जो राजनीतिक पदार्थ पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं देवघर से, यहाँ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं बजरंगी जी? देवघर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजद और भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में है, उस अवस्था में बजरंगी माता लोजपा से अपने आप को देवघर विधानसभा में कहां देखते हैं, आपकी टक्कर किससे है? देखिए, टक्कर हार और जीत ये तो जनता निर्णय करेगी, हार और जीत का फैसला जो है ये निर्णय जनता करेगी। रही बात एक हारेगा तभी हम जीतेंगे और जो जीता है वही हारेगा तभी हम जीत पाएंगे, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि टक्कर किनके साथ है। हमारा टक्कर यहाँ का जो विधायक है अभी उनसे होगा और उनको पछाड़ेंगे और उनके जगह जनता हमको बैठाएगी, ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ, ये दावा कर रहा हूँ कि इस बार विधानसभा में बजरंगी माता को यहाँ फतेह करने से कोई नहीं रोक पाएगा। विधानसभा की जनता के लिए कपिल और तमाम देवघर विधानसभा क्षेत्र के सभी माताओं बहनों भाइयों चाचा दादा सभी से मेरा अनुरोध होगा, अपील होगा कि आप सब हमारे नॉमिनेशन में पधारें और अपने बेटा, अपने इस घर के बेटा, अपने देवघर का बेटा, ये महादेव देवादी देव महादेव की नगरी का ये पुत्र को इस बार आशीर्वाद दें, ताकि आपका पुत्र जो है विजय होकर के आए और माँ बहन की जो समस्या है उनका समाधान करे। आपकी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी हमारी होगी, हम आपका रक्षक के रूप में हमेशा तत्पर रहेंगे और आपका जो भी विकास कार्य में बाधा है उसको हम पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे। यहाँ पर पानी की व्यवस्था, यहाँ की जो आपराधिक व्यवस्था है, यहाँ पर किस तरह से बिजली की व्यवस्था की गई है, किस तरह लोगों के बीच आवास और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अस्पताल की व्यवस्था, आप कहते होंगे कुछ नहीं है, अनशन पर भी बैठे थे और 5 दिन तक पानी नहीं मिले और अगला इस बार जो है कि मोदी जी के आवास में जो सीट निकाले थे उनका वृद्धा के लिए लोग समझ गए कि हमारा एक ही नेता है वो है बजरंगी माता, बजरंगी माता को लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। आप मेरे काफिला को देख सकते हैं, देख जिंदाबाद जिंदाबाद बजरंगी माता जिंदाबाद जिंदाबाद। बजरंगी माता से इनके उत्साह और इनके समर्थकों को उत्साह को देख के लगता है कि शायद हो ना हो कहीं वे देवघर विधानसभा में कोई नया समीकरण ना बने। मैं सिन्हा जी आपसे विदा लेता हूँ, आप देखते रहे नेशन 24, फिर मिलेंगे किसी अगले राजनेता के साथ।